अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त चौधरी राबिया स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू विद माय न्यू प्रोग्राम टेल्स ऑफ सोसाइटी। आज मेरे साथ है मेरे फ्रेंड साकिब मलिक। कुछ महीने पहले तक हमारे देश में पोल्यूशन के कारण काफी परेशानियां थी, काफी सियासी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली, लेकिन कोरोना वायरस के खौफ में हमारे क्वारंटाइन होने से पोल्यूशन से राहत दिखती मिल रही है। इसी पे थोड़ी तफ्तीश से आपसे बात करेंगे मेरे मित्र साकिब मलिक। बता दूं, साकिब मलिक आपके सामने इस प्लेटफॉर्म से आज पहली बार रूबरू होंगे। जहां एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस के चलते डरी और सहमी नजर आती है, तो वहीं सिक्के का दूसरा पहलू एक अलग ही कहानी बयां करता है। जी हां, मैं बयान कर रहा हूं लॉकडाउन की वजह से दुनिया के बदलते हालातों की। कोरोना से बचने के लिए अब तमाम बड़े और छोटे शहर और देश लॉकडाउन का जरिया इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से आवाम बेहाल नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस लॉकडाउन के चलते एनवायरनमेंट पोल्यूशन में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें हम एयर पोल्यूशन की, तो हिंदुस्तान के बड़े शहरों में हवा साफ होती हुई नजर आती है। एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हिस्सा गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 का होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर 200 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा NO2 जानलेवा साबित हो सकती है और काफ़ी सारी जानलेवा बीमारियां जैसे कि अस्थमा की वजह बनती है। लॉकडाउन के चलते NO2 कंसंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा गया, जहां पुणे में 43%, मुंबई में 38% और वहीं अहमदाबाद में 50% NO2 कंसंट्रेशन में गिरावट देखी गई। वहीं PM2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर, जो कि बहुत बारीक पोल्यूशन है, ये आपके लंग से होता हुआ आपकी ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है और आपकी स्ट्रोक का कारण बनता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 4 मिलियन लोग जो हैं PM2.5 की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्ट एंड रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक PM2.5 में भारी गिरावट देखने को मिली। दिल्ली में 30%, अहमदाबाद और पुणे में 15% की गिरावट देखी गई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक देश की राजधानी में हवा सेहतमंद और पोल्यूशन सबसे निचले दर्जे पर है। सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि देश की नदियां भी अब खुद को साफ कर चुकी हैं। लॉकडाउन के चलते इंडस्ट्रियल वेस्ट जीरो है, जिसकी वजह से यमुना एक बार फिर से साफ पानी बहा रही है। डॉक्टर PM मिश्रा IIT BHU के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी जिसमें उनके मुताबिक गंगा का पानी जो है 40-50% तक साफ हो चुका है। वहीं दुनिया भर के एक्सपर्ट का कहना है कि World War II के बाद पूरी दुनिया में इस लॉकडाउन में CO2 इमिशन सबसे निचले दर्जे पर है। जी बिल्कुल, मैं अपने मित्र साकिब मलिक से सहमति रखती हूँ और ये सब जानने के बाद यही कहूँगी कि एक तरफ से हम खौफ में जी रहे हैं और दूसरी तरफ पोल्यूशन न होने की वजह से राहत की सांस भी ले रहे हैं। जानती हूँ कोरोना वायरस को हम सब मिलकर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन देखना ये है पोल्यूशन को कंट्रोल और ऐसी ही राहत की सांस कब तक लेंगे। आई विल बी बैक विद माई न्यू वीडियो, तब तक के लिए दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे और आसपास साफ सफाई रखेंगे। Stay home, stay safe. Stay safe. Stay safe.